गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड क्लास में पढ़ेंगे विषय हिंदी। हिंदी विषय में जो टॉपिक का नाम है, मतलब पाठ का नाम है, वह है होली। होली के बारे में आप सब जानते हो ना। होली जो रंग गुलाल से खेली जाती है, तो इसके खेलने के पीछे क्या कारण है और ये क्यों मनाई जाती है और क्यों धार्मिक त्यौहारों के अंतर्गत ये आती है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। होली का त्यौहार हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है, माना जाता है ना हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार होली का। इसे हम फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाते हैं। कब मनाते हैं इसे? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात को होली जलाई जाती है। एक दिन पहले होली जलाई जाती है ना, जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ जलाई जाती है और नाचते गाते हैं वहाँ पे। और दूसरे दिन फाग खेला जाता है। फाग का मीन्स होता है दूसरे दिन रंग और गुलाल से, फूलों से होली खेली जाती है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक धार्मिक कथा प्रचलित है। मतलब इसको मनाने के पीछे क्या कारण हो सकता था, कौन सा रीजन था जिससे ये होली हमारे त्यौहार में मनाई जाती थी। सतयुग की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचारी और ईश्वर पूजा का विरोधी था। जो हिरण्यकश्यप था ना, वो मतलब भगवान की पूजा करने नहीं देता था अपनी प्रजा को। और उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर प्रेमी था, और उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो बहुत ज़्यादा ईश्वर प्रेमी था, वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अनेक उपाय किए उसे ईश्वर पूजा से हटाने के लिए, उसे मारना भी चाहा, फिर भी कोई हल नहीं निकला। मतलब उसे जो अपना जो पुत्र था प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, उसे मारने के लिए और उसे मतलब ईश्वर पूजा से हटाने के लिए कि ये ईश्वर पूजा नहीं करे, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए थे हिरण्यकश्यप ने। लेकिन जो प्रहलाद था वो परम भक्त था विष्णु भगवान का, तो उसने एक न मानी और भगवान की पूजा करता ही रहा। अंत में इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने बहन होलिका को बुलवाया, और जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, मतलब प्रहलाद की बुआ लगी, वो मतलब जो बुआ थी उसे बुलाया गया, जिसे अग्निदेव का वरदान था। जो होलिका थी उसे अग्निदेव का वरदान था कि उसे वरदान था कि चादर मिली थी, मतलब उसका जो वरदान था उसमें एक चादर मिली थी। जब वह चादर को ओढ़ कर अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसको नहीं जला सकती। तो उसको जो अग्निदेव ने जो उसे वरदान दिया था, उसे कहा गया था कि जो ये चादर अगर कहीं भी ओढ़ के बैठोगे आप, तो उससे आप नहीं जलोगे। लेकिन उसे साथ में एक और वरदान था, अगर ये चादर के साथ आप बैठोगे और अपनी गोद में किसी को भी लेके बैठोगे, तो आप उस जगह आप मर जाओगे और आपके गोदी में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा था, वो बच जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की अनुमति दे दी, क्योंकि प्रहलाद को वो मारना चाहता था, क्योंकि वो ईश्वर पूजा करता था, इस वजह से उसको अनुमति दे दी ताकि प्रहलाद जल जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई। देखो इस तरीके से, देखो ये होलिका है, ये प्रहलाद है, इसमें जिस तरीके से आसपास की जनता वगैरह सब थी, सब प्रजा वहाँ थी, और होलिका को जला दिया गया था। परंतु ईश्वर भक्ति के कारण जो चादर ओढ़ रखी थी ना होलिका ने, वो किसके ऊपर आ गई? प्रहलाद के ऊपर आ गई, और प्रहलाद के शरीर पर आ गिरी, जिससे प्रहलाद को आज भी नहीं आई, और जो प्रहलाद था उसको बिल्कुल आज भी नहीं आई, और होलिका जलकर मर गई। यहाँ पे असत्य पर सत्य की विजय हुई। यहाँ पे किसकी विजय हुई? असत्य पर सत्य की विजय हुई। मतलब अगर प्रहलाद सत्य के साथ रहता था हमेशा, इस वजह से उसकी विजय हुई। दूसरे दिन इसी खुशी से लोग रंग व गुलाल से होली खेलते हैं। मस्ती से बच्चों की टोलियाँ नाचती गाती है, और यहाँ पे ही इसी वजह से मस्ती से बच्चों की जो टोलियाँ होती हैं रंग और गुलाल से, उनकी खेली जाती हैं। इस त्यौहार में कुछ बुराई भी है, क्योंकि इस त्यौहार में कुछ अच्छाई के साथ हर त्यौहार में बुराई भी होती है। इस त्यौहार में ये बुराई है कि जैसे गुलाल वगैरह आँखों में चली जाती है, पानी के भरे गुब्बारे से चोट लग जाती है। इस दिन हमें अपने अंदर की सभी आदतों, मतलब जो भी जितनी भी गंदी आदतें, गलत आदतें हैं, उनको छोड़कर हमें हमेशा सही रास्ते पर और सही आदतों को अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको होलिका की कहानी समझ में आई है, इसे आपको नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों।